बजट पेश किया वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। इस बजट पर बात करने के लिए कि क्या ये बजट चुनाव जितवा पाएगा, इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उनको लेकर क्या राय है सभी लोगों की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रकाश जावड़ेकर जी मौजूद हैं, हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी जुड़ गए हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रदीप जैन जी मौजूद हैं। बाबा रामदेव, लेकिन सबसे पहले आपसे मेरा सवाल कि आपके मुताबिक कैसा है ये बजट जो आज पेश किया गया? ये एक डरी हुई डूबती हुई जिसकी 2013 में अंत्येष्टि होने वाली है और ये अंतिम उसका बजट है। ये अप्रगतिशील बजट है। इसमें यदि हम मूल्यांकन करें तो चिकित्सा के नाम पर एक रुपए, माने एक रुपए में दवाई, डेढ़ रुपए में पढ़ाई, ढाई रुपए में ग्रामीण विकास, 85 पैसे में खेती, 34 पैसे में रोज का पानी, माने जो बजट बनाया गया है, बजट के लिए चाहिए पैसा, पैसा आता है ब्लैक मनी वापस लो, करप्शन खत्म करो, ब्लैक मनी के लिए कोई प्रोविजन एक वाक्य नहीं बोला पिछली बार, कम से कम प्रणब मुखर्जी साहब ने उसके ऊपर एक कम से कम कुछ बोला तो था। करप्शन खत्म करना ही नहीं चाहती है सरकार, और विकास के नाम पर लोगों के साथ में आंकड़ों का एक माया जाल बुना गया है। ये देश के लोगों के साथ धोखा है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ जो है महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर 2 बंदरगाह बनाए, 3000 सड़क बनाने का एक घोषणा की है, और जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर 0.37% खर्च। तो आपके मुताबिक कुछ नहीं है इस बजट में, किसी के लिए है कुछ नहीं तो ऊंट के मुंह में जीरा। 125 करोड़ भारत का जनसंख्या वाला ये देश, और इसमें जो दिया है वो लोगों के साथ में धोखा है। गाँव में हम तो पैदा गाँव में हुए हैं, काला धन क्यों नहीं लाना चाहते? आप कहिए कि जो तमाम लोग हम काला हासिल करेंगे उस पर, उन काले धन वालों को तो संरक्षण यही देते हैं, या काले धन के काले खजाने इन्हीं के हैं, इनको आपत्ति क्या काला धन लाने में? जबकि नेहरू साहब ने 55-56 में जो प्रोफेसर कैलडोर को जिम्मेदारी सौंपी, उनका 2 से 4% ब्लैक मनी है। 1970 में इन्होंने कहा, जब सर्वे का वांछु कमेटी से उनका 7% ब्लैक मनी है। 1980-81 में इन्होंने जब सर्वे करवाया तो कहा 17 से 21% हो गया है। आज बाबा रामदेव नहीं कह रहा है, आज भारत के सभी इकोनॉमिस्ट, आज ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेटेड टैक्स जस्टिस नेटवर्क, आज IMF, क्या है जब तक ये योग गुरु थे और उसके बाद इनकी जो मानसिकता है उसको सारे लोग जानते हैं। अगर इनकी मानसिकता देश के लोगों की सेवा करने की है तो इन्हें बजट की तारीफ करना चाहिए। एक ऐसा बजट जिसमें महिलाओं, युवाओं, दलित और हर आम आदमी का ख्याल रखा गया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं टीवी देख रहा था, वो रिएक्शन कर रहे थे, आम आदमी की पूरी जो योजनाएं हैं वो आम आदमी ग्रामीण विकास इनका मंत्रालय है, 50% उसके लिए बैंक खुल रहा है, 80,000 ये बैंक प्रारंभ हो जाएगा। आज जो हमारे युवा हैं, जी प्रदीप जी, आपके मुताबिक सबका ख्याल रखा गया, सबका ख्याल रखा गया और इसकी तारीफ होनी चाहिए, ठीक है? तारीफ नहीं कर रहे, ठीक है, निश्चित रूप से वो लोग नहीं, प्रदीप जी वो तारीफ तो आप खुद ही करेंगे ना जी। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी भी मौजूद हैं, प्रकाश जी, प्रदीप जी का ये कहना कि बीजेपी को ये इस बात पर आपत्ति है कि जो करोड़पति हैं उन पर टैक्स लगाया गया। नहीं भाई, प्रदीप जी को बताइए, चिल्लाने से मुद्दा सही नहीं होता, और इसलिए पहले 3 बातें हैं। सर्वसाधारण सभी लोगों की अपेक्षा थी, क्योंकि वो महंगाई तले जूझ रहे हैं, तो महंगाई कम करने का कोई रास्ता अर्थमंत्री दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये जो कहना है लोगों का कि इसमें आम आदमी पर बजट नहीं बढ़ा, अरे आम आदमी पर तो टैक्स की मार पिछले महीने ही कर दी इन्होंने, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, लगातार एक के बाद एक, और इलेक्ट्रिसिटी से लेकर रेलवे तक सबके दर ऐसे बढ़ गए, माल ढुआई के दर बढ़े, सब बढ़े, जिसका सीधा परिणाम लोगों पर हो रहा है। और इसका परिणाम यह है कि आज अर्थमंत्री को मानना पड़ा कि 93,000 करोड़ रुपीस वी हैव कलेक्टेड बिफोर द बजट थ्रू वेरियस विड्रॉवल ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडीज खत्म करके लोगों पर बोझ डाल के 93,000 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठे किए। और दूसरा ये उन्होंने किया, आज के 17,000 करोड़ बढ़ाए तो कुल मिला के
ये 1,10,000 करोड़ का बोझ डाला जो जनता महंगाई के कारण जूझ रही है, महंगाई के कारण परेशान है। तो ठीक है, पहली बात जो पैसे उन्होंने जुटाए वो भी आम आदमी से, महंगाई से जूझने के लिए नौकरियां जॉब जी वह भी, और जो जॉब्स चाहिए तो क्या निकला आज के बजट में, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई खाका 9 साल से नहीं किया। ये केवल आज का बजट नहीं है, ये जो स्थिति आर्थिक आई है ये भी कांग्रेस के खुद के कारण आई है जी। 2008 में भी दुनिया में संकट था वैश्विक, तो ये जो हालात है वो उसके लिए भी, लेकिन फिर भी सरकारी जिम्मेदारी है। चुनाव के पहले चुनाव के पहले 1,00,000 करोड़, क्योंकि चुनाव जीतने थे तो एक के बाद एक घोषणाओं की छड़ी लगा दी। अभी ऐसी स्थिति आई कि ये घोषणा नहीं कर सकते, जो फूड सिक्योरिटी का इतना बड़ा घोषणा किया था उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दे रहे, यानी 80 करोड़ जनता को लाभ देने की बात है, उनको महीने के 10 रुपए देंगे, इसमें क्या फूड सिक्योरिटी? ठीक है, ठीक है, जो हालात हैं अभी प्रदीप जी उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी तो आप ही जिम्मेदार है, आप ही की सरकार जिम्मेदार है। निश्चित रूप से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी का दौर है, निश्चित रूप से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो मंदी का दौर पूरे सारे देशों के अंदर है, लेकिन ऐसे में भी हम मजबूती से खड़े हैं। और जो हमारे साथी अभी सारे आंकड़े बता रहे थे, ये आंकड़े सारी देश के लोगों को मालूम है, अर्थशास्त्रियों को मालूम है। ऐसी स्थिति में जो बेहतर चीज हो सकती थी, जो एक आम आदमी के लिए बहुत सारी योजनाएं हो सकती थी, हमें वो सारी बातें देखना चाहिए। हमें फूड सिक्योरिटी के लिए, आम आदमी के लिए क्या किया? कैश फंड ट्रांसफर के लिए, कहा है कि डीजल के दाम अभी और बढ़ेंगे, यानी महंगाई का बोझ और बढ़ेगा आम आदमी पर, तो ना इस बजट से महंगाई कम होगी, ना इससे बेरोजगारी दूर होगी, ना इससे गरीबी दूर होगी। मंत्री जी ने एक ये बात पिछली बार कही जा चुकी थी कि प्रति माह, क्योंकि डीजल की मार्केटिंग की प्राइस इंडेक्सिंग इंटरनेशनल मार्केट से होती है, और उन्होंने ये बात जो कही है कि हमें बहुत सारी घोषणाएं भी और करना है, बहुत सारी इसमें सुधारात्मक प्रक्रिया और अपनाना है, उसको आप हाईलाइट नहीं कर रही। नहीं, और तो, हमें सबसे बेकार बात प्रदीप ये लगती है कि ये तो हमें नहीं मालूम कि वो सुधार करेंगे, तो इसमें राहत देंगे, या वो और जेब काटेंगे, या वो और पैसा जुटाएंगे और सब्सिडी कम करेंगे। ये तो अभी हमें नहीं मालूम ना कि वो क्या करने वाले हैं। वो सब्सिडी को भी कह रहे हैं कि हमें कम करना है, तो हो सकता है वो सब्सिडी कम करेंगे तो यानी और मार पड़ेगी आम आदमी पर। जी मालूम है प्रकाश जी, इस पर जवाब दे रहे प्रकाश जी। देश को एक मजबूत स्थिति में ले जाना है, तो बजट में कहा है कि डीजल की जो 95,000 की सब्सिडी है, विचारधारा है जी। प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रकाश जी जवाब दे रहे हैं कि क्या आप करने वाले हैं जो वित्त मंत्री कह रहे हैं कि आगे कदम उठाएंगे। हाँ, बजट के भाषण में वित्त मंत्री ने साफ किया कि आज जो डीजल पेट्रोल पर 95,000 करोड़ की सब्सिडी है वो हम कम करेंगे और 65,000 तक लाएंगे, यानी 30,000 करोड़ रुपए डीजल की कीमत बढ़ाने की घोषणा आज ही कर दी है, जिसकी औपचारिक घोषणा जी। और वही मैं भी कह रही थी कि अभी तो वो कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी और कम करनी है, यानी और बोझ बढ़ाना है आम आदमी पर। आप कह रहे हैं आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला, इनकम टैक्स में ही नहीं डाला ना, बट दूसरी कई जरियों से तो डाला ही जा रहा है। नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि वर्तमान के अंदर अभी डीजल की सब्सिडी कम नहीं की हमने, जो हमारी नियत और नीति है कि हमें देश को अपने बल पर मजबूती से खड़ी करना है, और जिस दिन डीजल की सब्सिडी कम हो ये मुद्दा उस समय उठना चाहिए। अभी तो एक बात उन्होंने कहा है कि हमारी, उन्होंने आज ही ये बात कह दी प्रदीप जी, लेकिन हमारे साथ बाबा रामदेव जी सरकार, बाबा रामदेव की भी मैं प्रतिक्रिया ले लूं। बाबा रामदेव, जो आज ये बजट पेश किया गया इसमें आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, आवासीय परियोजना के लिए 600 करोड़ देने की बात की गई है, 45% का इजाफा ग्रामीण क्षेत्र में किया गया, तो क्या ये कुछ नहीं है? देखिए, आंकड़ों का माया जाल बुन करके देश के लोगों के साथ एक धोखा किया गया है। बजट की घोषणा की गई 16,65,297 करोड़। अब देखिए जरा, इसमें इनको जो ऋण वापस करना है, माने जो इन्होंने कर्ज ले रखा है और उसकी जो किस्त वापस करनी है, कर्ज की जो किस्त चुकानी है, ब्याज के रूप में चुकाना है,
3,70,684 करोड़। कर्ज की जो किस्त देनी है ब्याज के अलावा वो 1,67,72 करोड़। 5,37,756 करोड़। इनका जो प्लांट एक्सपेंडिचर है वो 5,55,000 करोड़ रुपए। पिछले साल से भी इन्होंने कम कर दिया प्लांट एक्सपेंडिचर। दूसरी बात तो जो सुमेरा 17% एजुकेशन में बढ़ाएंगे, 45% गाँव वालों को देंगे, तो वो क्या है? देखो ग्रामीण विकास में जो इनका मंत्रालय, प्रदीप जी आप ध्यान से सुनिए, कहा कि 46% हमने अधिक किया, उसमें मनरेगा में चला गया इनका 33,000 करोड़, उसमें इसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना में चला गया इनका 21,700 करोड़, इंदिरा आवास योजना में चला गया 5,184 करोड़, और इसमें से 50% से ज्यादा राजीव गांधी जी की माने तो 85% भ्रष्टाचार में खर्च होता है। ये देश का विकास हो रहा है या भ्रष्ट लोगों का विकास हो रहा है, ये एक सोचने की बात है। और पैसा बजट के लिए जिन एजेंसियों को पैसा लाना है ये खास सोचने की बात है। प्रदीप जी आप ईमानदारी से उत्तर दीजिए, एक तरफ है पार्टी और एक तरफ है पूरा हिंदुस्तान, जिन एजेंसियों को पैसा लाना है वो सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, ईडी, और भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी वो है सीबीआई की, और वसूली करने की जिम्मेदारी सीबीआई जो है वो लगा दी जाती है राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पीछे, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, ईडी लगा दिया जाता है बाबा रामदेव और जो है वो नितिन गडकरी के पीछे और तमाम उन लोगों के पीछे जो सरकार की गलत नीयत और नीतियों की आलोचना करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उनके पापों की पोल खोलते हैं। तो जिन एजेंसियों को पैसा लाना है बजट के लिए वो पैसा लाती नहीं है, जिन एजेंसियों को भ्रष्टाचार रोकने का काम करना वो रोकती नहीं है। 3-5 लाख करोड़ के हर साल घोटाले, 3-5 लाख करोड़ रुपए जो टैक्स की वसूली करनी चाहिए वो कर नहीं पाती एजेंसियां। आप सिस्टम का फेलियर हो चुका है, आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी बयान देते हैं कि सिस्टम के दरवाजे बंद है देश में और हमारे कांग्रेस के भी दरवाजे बंद है, तो भाई ये जो है बयान देने से क्या देश चलेगा? भूख कुपोषण देश के लिए शर्म है, क्या इनसे देश चलेगा? आप प्रामाणिकता से उत्तर दीजिए, आलोचना मत कीजिए जी, प्रदीप दिल से सच्चाई से। सीधे सवाल आपसे ही बाबा रामदेव का। हाँ बाबा रामदेव जी जो बात कर रहे हैं उनका हमने पूरा प्रवचन सुना और उनके प्रवचन से ये सारी चीजें हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। आज पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार हटाने के लिए हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून लाए, हमारे यहाँ लोकपाल कानून संसद के अंदर है, उसमें दूसरे दलों की खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की क्या नीयत है ये भी देश के सामने आया। इसके अलावा हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, आज महात्मा गांधी नरेगा योजना, उससे देश के 5 करोड़ परिवारों को रोजगार मिल रहा है। सिर्फ आरोप लगा देने से बहुत सारी चीजें नहीं होती, आज किसी भी मुद्दे पर ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन इतने बड़े देश को चलाना, आज एनडीए भी सरकार में आई थी, फील इंडिया, साइनिंग इंडिया, और उसके बाद चारों खाने चित्त हो गई। आज देश को एक इतनी बड़ी आबादी को विभिन्न योजनाओं से संचालित करना और उसका जो अच्छा पक्ष है वो बाबा की आंखों पे जो काला चश्मा लगा है वो उन्हें दिखाई नहीं देता, हम तो उन्हें ये दिखाई देता ही नहीं। आपको ये बिना बिना चश्मे वाले आंखों पर चश्मा कहां से नजर आ गया प्रदीप जी? तो उनकी पार्टी उन्हें पुनः अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? उनको अध्यक्ष दूसरी बार बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम था, अगर उनके आरोप ठीक थे तभी तो उन्हें नहीं बनाया। देखिए आरोप तो आप किसी पर भी लगा सकते हैं, सरकार के अधीन है सारी एजेंसियां, कोई द्वेष बस नहीं है। हम आपके सामने बैठे, बताइए 2 साल में आपने हमारे 100 से ज्यादा हमारे खिलाफ नोटिस भेजे, सेल टैक्स के, इनकम टैक्स, ईडी के, डबल सीबीआई हमारे पीछे लगाई, क्या निकाला तुमने? मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे आप उत्तर दीजिए। उनके अंदर जो शक्ति है, आज उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं करते, पर बाबा रामदेव के लिए पहले ग्रामीण प्रदीप जैन का ये कहना है कि आप क्या ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ जांच हो रही है? ये जांच का कोई प्रश्न नहीं, मतलब तो हमने कुछ गलत किया तो हमें पूरी सजा दीजिए, लेकिन अब ये तो साफ बोलने से बंदी नहीं होते और इनको बिना आंखों वाले चश्मों पर, बिना चश्मे वाले आंखों पर भी इनको चश्मा दिखाई देता है। दरअसल इन्होंने प्रदीप जी सुन लीजिए, आपने जो बात कही उसका जवाब भी सुन लीजिए, कितना प्रवचन देंगे प्रदीप जी, जवाब भी सुन लीजिए, प्रकाश जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जी। बाबा रामदेव पहले आप बोले फिर मैं प्रकाश जी के पास। देखिए इन्होंने पूरा भाषण दिया, इनको ये पूछिए, हमने एक बात कही थी, मेरे से 4 इनके कैबिनेट मिनिस्टर मिले, उनमें से आज एक तो महामहिम राष्ट्रपति जी है और इनके 3 कैबिनेट मिनिस्टर, हमने इनसे एक ही कहा था कि जो बाहर से पैसा आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में जो पैसा रहा उसके मूल मालिकों के नाम बता दो, ब्लैक मनी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके और आर्थिक पारदर्शिता के कानून बना दो।
हमने इनसे छोटी छोटी बातें कही थी, हमने इनसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट की बात की, हमने इनसे मजबूत लोकपाल की बात की, हमने जो भी बातें की एक भी बात के ऊपर जो लोकपाल बनाया वो ऐसा बनाया कि जिससे भ्रष्टाचार और बढ़े, जो एक बिना दंतहीन दृष्टिहीन आपके मुताबिक शक्तिहीन लोकपाल बनाया, उसकी जड़ में भ्रष्टाचार है जिससे सरकार निपटना नहीं चाहती। देश की संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाने का हक बाबा रामदेव का नहीं है। सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जितना कांग्रेस ने किया है उतना आजादी के बाद किसी ने नहीं किया है। सीबीआई का दुरुपयोग, सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का, सर्विस टैक्स का, सारी संवैधानिक संस्थाओं को यदि किसी ने ध्वस्त किया, लोकतंत्र का किसी ने गला घोटा है, तो प्रदीप जैन जी जरा आप जैन अपने पीछे लिखते हैं, महात्मा अपने जो पूर्वज थे महावीर स्वामी को याद करो, वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे। आप जिस पार्टी में बैठते हो 1 करोड़ गायों की हत्या करवाती है माताजी, हम तो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं बाबा जी। तो तभी तो 2 करोड़ गायों की कत्ल करवाते हो, 1 करोड़ हिंदुस्तान में और 1 करोड़ को बांग्लादेश में भेजते हो। आपको यदि आप यदि थोड़ा सा भी आपके भीतर धर्म और ईमान है, सच्चाई है, जरा सच्चाई को बोलो, आज एक मजबूत चापलूसी बंद कीजिए, खाली एक मंत्रालय मिल गया तो ऐसे झूठे पुलिंदे बोले जा रहे हैं। प्रवचन नहीं देना चाहिए, आज आपको तारीफ करना चाहिए। अगर आपकी अंतरात्मा जागृत है, अगर आपके अंदर का जमीर जिंदा है तो आपको आपके अंदर का जमीर जिंदा है तो आप सच को स्वीकार कीजिए। आप एक मंत्री बनके बैठे हैं तो झूठ बोलने का ठेका नहीं मिल गया। सावधान किए, केवल उन लोगों पे कर लगाया गया जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रकाश जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। प्रकाश जी जागृत है आपके नाम के आगे, प्रदीप जी का बार बार ये कहना कि इस बजट की तारीफ होनी चाहिए, गुरु इस लिखा बजट है की तारीफ करनी चाहिए जो बजट तो पेश किया गया। सत्य बात कहना चाहिए, आपको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनके काम नहीं करना चाहिए। अरे हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं और देश के लिए लड़ेंगे, आप लोग तो विदेशी लोगों के गुलाम की तरह यहाँ पर व्यवहार कर रहे हो। अगर देश के लिए लड़ रहे हो तो आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं तो अपने पूरी सारी चीजें बाबा रामदेव जी बजट पे हम बात कर रहे थे, हमारे पास तो एक भी रुपए नहीं है। आप अपने इन जो है कांग्रेस के लीडर्स का देखिए और कांग्रेस के ट्रस्टों का देखिए, बाबा के नाम 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं, जो कुछ किया देश के लिए किया और आप लोगों ने देश को लूटने के सिवा क्या किया वो भी देश को बताइए। आप जो है इस तरह से चिल्ला चिल्ला करके आप सच्चाई को जुटा नहीं सकते। आज योग आयुर्वेद को लेकर के देश की प्रतिष्ठा को लेकर के हमने जो किया वो देश के सामने। प्रदीप जी, ये चर्चा